हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लुकअप फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। अब ये लुकअप फॉर्मूला जो है ये काम कैसे करता है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जो बिगिनर स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि वो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे वीडियो देखी और फॉर्मूला लगाना डायरेक्टली शुरू कर देते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम तब आएगी जबकि आप डेटा लिए रहेंगे और आपने डेटा को शॉर्ट नहीं किया होगा। जैसे मान लीजिए ये डेटा जो है शॉर्ट नहीं है, अब यहाँ पर आप डायरेक्टली लुकअप फॉर्मूला यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा मैंने लुकअप, ठीक है, ये लगा दिया। अब ये ओपन ऑफिस की बात है, आप चाहे गूगल शीट यूज करते हो, एक्सेल शीट यूज करते हो या लिब्रा ऑफिस यूज करते हो, किसी में भी आप यूज करते हो, तरीका यही है, तरीका अलग नहीं है, ठीक है, तरीका यही है। थोड़ा सा चेंज इसमें हो जाता है क्योंकि ये ओपन ऑफिस है, थोड़ा सा स्टाइल अलग है लगाने का। तो देखिए, लुकअप तो लगा लिया, अब यहाँ पे सर्च करना है क्राइटेरिया। तो मान लीजिए हम कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, तो कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लिया, ध्यान रखिएगा हमने टाइटल नहीं लिया है। दूसरा चेंज ये है कि एक्सेल में आप कॉमा लगाते हैं, यहाँ लगाएंगे सेमी कोलन, तो ये सेमी कोलन लगा दिया। अब ये पूरा डेटा क्योंकि यहीं से हमें लुकअप करना है तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ सेमी कोलन लगा दिया। कॉमा के बजाय आपको लगाना है सेमी कोलन। अगर आप सेमी कोलन लगाते हैं तो ही आपका रिजल्ट आएगा, कॉमा लगाने से आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अब मान लीजिए हमें पता करना यूनिट, तो ये पूरा यूनिट वाला जो है सेक्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और प्रेस कीजिए एंटर। एंटर प्रेस करने से पहले आपको ये बता दूं कि हमने सेलेक्ट किया था कीबोर्ड और कीबोर्ड की कितनी यूनिट है, 7 यूनिट है। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहां 7 यूनिट आ रहा है, ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात समझ में आती है। फिर यहां लुकअप लगाते हैं, एक बार दोबारा से लुकअप लगा लेते हैं। तो ये लुकअप लगा लिया फॉर्मूला, हमने ब्रैकेट को ओपन किया। इस बार हम क्या करते हैं, एलईडी लेते हैं, एलईडी में संख्या 2 है, आप कुछ भी कर सकते हैं, टोटल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी की मदद से हम देख सकते हैं कि टोटल क्या है इनका, ठीक है। तो इस बार एलईडी लिया है हमने और एलईडी का टोटल है 15,400। डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लिया, सेमी कोलन लगाया और इस बार हम क्या करते हैं, ये पूरा टोटल सेलेक्ट करते हैं। इस बार हमें एलईडी का टोटल चाहिए, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ आंसर आ रहा है 5,390, जबकि एलईडी का जो टोटल है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से इसको एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। ये देखिए, ये जो एलईडी का टोटल है वो है 15,400, लेकिन यहाँ आ रहा है 5,390। बस यहीं पर आप मार खा जाते हैं और यहाँ पर हो जाती है गड़बड़। तो आपको ये नहीं करना है, पहले क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपका डेटा आए और आप ओपन ऑफिस यूज कर रहे हो, गूगल शीट यूज कर रहे हो, एक्सेल शीट यूज कर रहे हो, कोई भी शीट यूज कर रहे हो, तो आप यहां पर सीधा आ जाइए, टाइटल पर आ गए। टाइटल पर आने के बाद आपको कहां जाना है, डेटा टाइप पे जाना है, डेटा टाइप पे आ गए। अब यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है शॉर्ट, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ ओपन ऑफिस तो यहां पर हमें शॉर्ट मिलता है डेटा टाइप में, तो यहां पर क्लिक कर दीजिए। अब चूंकि हम नेम ऑफ प्रोडक्ट के ही बेस पे शॉर्ट कर रहे हैं और असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको रखते हैं तो हमें यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं, अगर यहाँ पे जाएंगे तो आप अदर वे में भी शॉर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो अब इसकी हो गई शॉर्टिंग। अब हम चलते हैं लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं और फ्रीली इसको यूज कर सकते हैं, आप कहीं भी कुछ भी आप फाइंड करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड को ही ले लेते हैं, कीबोर्ड लिया, सेमी कोलन लगाया, पूरा डेटा सेलेक्ट किया, ठीक है, और हमें जाननी है कीबोर्ड की प्राइस की, टोटल कितनी प्राइस जो है कीबोर्ड की, ठीक है। जैसे मान लीजिए 770 रुपए दिख रहा है आपको, लेकिन ये पूरा प्राइस वाला हिस्सा मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखिए आंसर में क्या आता है, एंटर किया 770 आ गया, ठीक है। अब इसको हटाता हूँ, फिर यहाँ लगाता हूँ लुकअप, ये लगा लिया लुकअप, ये लुकअप हो गया, तो ये लुकअप लगाया हमने और लुकअप लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब क्या करते हैं, इस बार लेते हैं एलईडी, एलईडी ले लिया, सेमी कोलन लगाया, पूरा डेटा कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। इस बार हमें टोटल पता करना है एलईडी का टोटल, तो एलईडी का टोटल आपको दिखाई पड़ ही रहा है 15,400 है ना, देख लीजिए, तो एलईडी का टोटल 15,400 है। तो अब यहाँ पर टोटल वाला पूरा हिस्सा सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट को करिए क्लोज और एंटर करिए और देखिए रिजल्ट 15,400 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से किसी का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो मैंने दिखाने के लिए बड़ा छोटा सा डेटा लिया है, ठीक है। तो ये लुकअप किया फिर से हमने, ये लुकअप हो गया और लुकअप करने के बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, कर लिया ओपन। इस बार हम माउस की बात कर लेते हैं, तो माउस किया हमने और माउस का हम यूनिट जानेंगे। यहाँ पर ये पूरा डेटा कर लिया सेलेक्ट और सेमी कोलन लगाया और माउस के यूनिट को पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब माउस का यूनिट कितना है, 6 है, दिख रहा है आपको, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, 6 आ गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं,
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, साथ ही कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।